हेलो गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग। गाइस, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सभी के लिए, हमारे लिए बैड न्यूज़ है, सबके लिए बैड न्यूज़ है कि पबजी बैन हो रहा है। तो गाइस बैन हो रहा है, काफ़ी बंदे बोल रहे हैं अनबैन हो रहा है, तो इसके बारे में भी मैं न्यूज़ देना चाहूँगा। तो गाइस, कोई कुछ भी बोले, बैन हो रहा है तो बैन होगा। गाइस देखो, सबसे पहले बैन का न्यूज़ आया अभी, लेकिन जब बैन का न्यूज़ आया उससे पहले तो बंदों ने अनबैन का न्यूज़ दे दिया। गाइस देखो, पहली बात ऐसी है, जब तक आप कंपनी से कुछ ऑफिशियली, या फिर जो पबजी का जो टेंसेंट वाले हैं, या फिर जो पबजी का ऑफिशियल जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो मैनेजर वगैरह हैं, उनसे कोई मेल वगैरह या कोई न्यूज़ वगैरह उनसे कोई जब तक नहीं आती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पबजी अनबैन होगा। तो गाइस इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, बैन होगा तो होगा ही, ठीक है। 10% चांसेस है कि पबजी अनबैन हो जाए विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर अंदर हो सकता है। 10% चांसेस है सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं है, ये मत सोचना। और गाइस सब बस ऐसे ही वीडियो बना रहे, कोई किसी का ऐसे कुछ उठा के डाल रहा है, कोई किसी का कुछ उठा के डाल रहा है। गाइस तुम खुद देख लो, ये देखो सब टाइटल ऐसे भरे पड़े हैं टोटली, मतलब ऐसे बंदे डाल रहे हैं यूट्यूब पे कि अनबैन अनबैन, बस सिर्फ उन्हें व्यू चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनबैन होगा। सो गाइस इस बात को सीरियस मत लो कि अनबैन होगा, बैन हो गया तो हो गया, ठीक है। अभी पहले देश प्रेम, उसके बाद गेम, ठीक है। तो इस चीज़ की चिंता ना करें, इससे अच्छा कोई गेम आएगा या नहीं आएगा तो COD है, वेलोरेंट है वगैरह वगैरह, PC गेम है, अदर गेम्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, ई स्पोर्ट्स वैसे काफ़ी गेम्स में है, तो आप इस चीज़ की बिल्कुल फिक्र ना करें। हाँ चांसेस हैं, 10% चांसेस है कि अनबैन हो। तो गाइज इस वीडियो को शेयर करो और सबको बताओ कि पबजी अनबैन नहीं होने वाला, सिर्फ 10% चांसेस है, श्योरिटी नहीं है। काफ़ी बंदे बोल रहे हैं कि श्योर है, तो वो श्योरिटी नहीं है गाइज, इस चीज़ के पीछे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि श्योरिटी नहीं है, सिर्फ 10% चांसेस है, क्योंकि किसी भी बंदे का कॉन्टैक्ट नहीं है टेंसेंट वालों से या फिर पबजी वालों से, ऑफिशियल डायरेक्ट जो डेवलपर है। और इतनी बड़ी एक न्यूज़ वो भी इतना जल्दी नहीं दे पाएंगे कि भाई एक सेकंड में, उन्होंने एक घंटे में न्यूज़ दे दिया कि जैसे बैन का ऑर्डर आया इंडिया से, और तुमने तुरंत एक सेकंड में वहाँ से डिसीजन ले लिया कि भाई हाँ अनबैन कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी कंपनी को दे देंगे। गाइस ऐसा नहीं होता है, तो मैं आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनबैन के चांसेस सिर्फ 10% है। तो गाइज तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो इस चीज की, और ये सच्चाई है कि अनबैन होने के चांसेस सिर्फ 10% है। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में कि अनबैन होगा या नहीं होगा, जो भी लगता है वो कमेंट करके बताना। चलो बाय बाय गाइज। याद है मुझे खड़े थे साथ, कौन ज्यादा नहीं बस खाली 6-7 दोस्त, उनमें से भी छोड़ गए एक आध तो, आज मुझे जानते हैं 1 लाख लोग। आधे भाई साहब बने भाई साहब, आधे बोले माई बाप योर माई बाप, आज सारे सोचे बस मेरी ही भलाई का, बंदिया भी पूछे कि आप खाएंगे मलाई चाप, जिन्हें पहले लगता था गंदा मैं, पर जब से बड़ी मेरी जनता है, पहले बोलते थे खोल देंगे सर, बोलते हैं सर भोले का फैन, तभी बोल मेरे बम पर, रैप सुनने वाला मेरा पंखा, क्योंकि काम तेरे भाई का है ढंग का, मेरे आने की तो नौबत नहीं पड़ती, मेरे फैन थी लगा देते लंका। नाज है मुझे मेरे लड़कों पे, नाज मुझे हर एक फैन पर है, नाज है मुझे मेरी माँ पे जो बोलती है शान से कि मेरा बेटा रैपर है।